अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जीपीएस की सेकंड एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। बहुत ही जेनेरिक एग्जांपल है, रियल वर्ल्ड की। आप किसी भी प्रॉब्लम को जो है आप फार्मूलेट कर सकते हैं जीपीएस प्रोग्राम के लिए, उसकी करंट स्टेट दें, उसका गोल स्टेट दें और फिर उसका आप नॉलेज जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं और जीपीएस को फर्दर कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इम्प्रूव भी कर सकते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड डोमेन्स के लिए भी। ये जस्ट सिंपल टाइप एग्जांपल्स हैं जिनकी मदद से हम जीपीएस की लॉजिक को बेसिकली अंडरस्टैंड करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और इसमें आप देखें कि रियल वर्ल्ड की सिचुएशन जो है वो करंट स्टेट और फाइनल स्टेट की फॉर्म में जो है वो दी गई है, करंट स्टेट की फॉर्म में दी गई है और गोल स्टेट जो है वो हमारे पास जीपीएस कॉल में यहाँ पे दी गई है। तो बेसिकली वी वांट टू टेक माय सन टू स्कूल। तो अगर बेटे को स्कूल लेके जाना है तो उसके लिए जो है ये हमारी करंट सिचुएशन है, बेसिकली ये करंट स्टेट है कि सन इज करंटली एट होम, वी हैव मनी, वी हैव फोन बुक एज वेल और कार नीड्स बैटरी। अब स्कूल तो लेके जाना है लेकिन जो है वो गाड़ी जो है वो सही काम नहीं कर रही, तो ये फाइनल स्टेट में जस्ट एक ही गोल है कि वी वांट टू टेक अवर सन एट स्कूल, सन इज एट स्कूल। तो ये जो वेरिएबल है इसको हम जो है वो नॉलेज लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स या लिस्ट ऑफ एक्शन जो है ये हम असाइन करेंगे और उस नॉलेज को हम जो है जीपीएस के सेंटेक्स में फार्मूलेट करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली टू टेक सन टू स्कूल, कार जो है वो वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर हम बैक मींस एंड एनालिसिस के लिहाज से देखें कि इन ऑर्डर टू टेक फाइनल गोल के लिहाज से देखें कि सन एट स्कूल, एक्शन हमारा क्या होगा कि इस गोल को अचीव करने के लिए ड्राइव सन टू स्कोर, सिंपल ये एक्शन होना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये एक एक्शन हो गया ड्राइव सन टू स्कूल। अब उसके लिए करंटली प्री कंडीशन क्या है कि ऑब्वियसली सन इज एट होम और गाड़ी जो है वर्किंग कंडीशन में, कार वर्क्स। उसके लिए कोई और भी मुनासिब सिंबल आप यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ कार वर्क्स। जब ये एक्शन परफॉर्म होगा तो तब ऐड लिस्ट में आप देखें सन एट स्कूल है और डिलीट लिस्ट में सन एट होम है, ठीक है। तब स्टेट जो हमारी चेंज होगी और ये फाइनल गोल जो है ये हमारा अचीव हो जाएगा, ये हमारा एक एक्शन हो गया। अच्छा, अब गाड़ी के काम करने के लिए हमें जो है वर्कशॉप को इन्फॉर्म करना चाहिए, वर्कशॉप को मालूम होगा तो वर्कशॉप जो है वो बैटरी इंस्टॉल कर देंगे, नई बैटरी जो है वर्कशॉप जो है वो इंस्टॉल कर देंगे। तो उसके लिए गाड़ी के काम करने के लिए, क्यों करंटली कार नीड्स बैटरी, तो उसके लिए यह है कि वर्कशॉप शुड इंस्टॉल द बैटरी। अब वर्कशॉप शुड इंस्टॉल द बैटरी, शॉप इंस्टॉल द बैटरी, तो उसके लिए यह है कि एक तो कार नीड्स बैटरी फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर फर्ज करें ये ना होता है यहाँ पे कार इज ऑलरेडी इन वर्किंग कंडीशन, तो फिर ये भी इस ऑपरेटर्स या रिमेन कुछ ऑपरेटर्स की हमें जरूरत ही ना होती। तो करंटली कार नीड्स बैटरी, देन इफ कार नीड्स बैटरी देन वर्कशॉप विल इंस्टॉल द बैटरी, ओके। एंड शॉप नोज द प्रॉब्लम एंड शॉप हैज द मनी, उसे पैसे हमने देंगे तो फिर जो है वो बैटरी इंस्टॉल होगी, पैसों के बगैर जो है बैटरी इंस्टॉल नहीं होगी। अच्छा, फिर जो है कार वर्क्स जो है ये इसमें आ जाएगी, वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है कि ये कार नीड्स बैटरी जो है ये डिलीट होना चाहिए, वैसे ये ऑप्शनल है डिलीट लिस्ट जो है। कुछ ऑपरेटर्स में ऐसे भी हो सकता है कि ये ऑपरेटर जो है ये डिलीट लिस्ट जो है हमारी एम्प्टी रह जाएगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी करंटली लॉजिकली स्पीकिंग आप देखें कि ये कार नीड्स बैटरी जो है ये जब कार वर्क्स है तो फिर कार नीड्स बैटरी जो है यहाँ पे डिलीट लिस्ट में होना चाहिए। तो इसे जब हम जीपीएस पे एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर इसको हम करेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं भी करेक्ट करें फिर भी हमारी ये जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी कॉल जो है, ये वाली जीपीएस की कॉल जो है इन ऑपरेटर्स के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट ऑपरेटर, अब वर्कशॉप को पता चलेगा तब जो है वो शॉप नोज दी प्रॉब्लम, ये जब प्री कंडीशन है तो ये हमारे इस ऑपरेटर की मदद से अचीव होगी कि वी शुड कॉल दी शॉप, वी शुड बी इन कम्युनिकेशन विद दी शॉप, वी शुड टेल शॉप दी प्रॉब्लम। शॉप को, वर्कशॉप को प्रॉब्लम बताने के लिए हमें उसे कॉल करनी चाहिए, ठीक है। इट मीन्स वी आर इन कम्युनिकेशन विद दी शॉप। तो
call the workshop or make telephone call to the workshop, and in order to make telephone to the workshop we should have the phone number of the workshop. वर्कशॉप का फोन नंबर हमारे पास होगा, हम उसे कॉल करेंगे, प्रॉब्लम बताएंगे, पर्सन आएगा, मैकेनिक आएगा, वो शॉप बैटरी इंस्टॉल करेगा, फिर हम अपने बेटे को जो है स्कूल लेके जा सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट उसमें यह है कि लुक अप द नंबर. अब कॉल करने के लिए हमारे पास जो है वो नंबर होना चाहिए. अब इन वाले ऑपरेटर्स में डिलीट लेस लॉजिकली जो है वो ब्लैंक है, कि अगर आपके पास नंबर मौजूद है तो आपने सिर्फ उसका नंबर जो है वो फोन बुक से देख लेना है. नंबर ये क्लासिकल एग्जांपल है, जब डायरेक्टरीज फोन डायरेक्टरीज यूज होती थी, आजकल मोबाइल से या गूगल से आप जो है कोई भी फोन नंबर गेट कर सकते हैं. तो एनीवे पॉइंट यह कि इसमें ये डिलीट लिस्ट जो है ये इसमें ऑप्शनल है. तो अगर इसमें कोई लॉजिकली स्पीकिंग कोई वैल्यू नहीं बन रही तो इसे हम खाली लिस्ट जो है वो हम लाजमी दे देंगे. अच्छा जी, गिव शॉप मनी, आप कॉल करेंगे, मैकेनिक को पैसे देंगे, ठीक है, और फिर जो है वो बैटरी इंस्टॉल करेगा, और फिर जो है आप जो है यू कैन अचीव दिस गोल बाय ड्राइविंग सन टू स्कूल. तो ये हमारे पास 6 ऑपरेटर्स बन गए, 6 डिफरेंट स्टेप्स बन गए. रियल वर्ल्ड का सिनेरियो थोड़ा सा हमने कम्प्लेक्स कर दिया है. अब इसे हम देखते हैं कि GPS जो है किस तरह से मींस एंड एनालिसिस करते हुए एक फाइनल गोल से प्रीवियस गोल पे आएगा, फिर उससे प्रीवियस गोल पे आएगा, फिर उससे प्रीवियस गोल पे, और फिर जो है जब लास्ट वाले इन जो सबसे सिंपलेस्ट गोल होगा जो उस वक्त करंट स्टेट के मुताबिक अचीव हो सकता है, जैसे ये पैसे देने का काम है या कॉल करने का काम है, ये दोनों ऑपरेटर जो है ये है फोन बुक, ये प्री कंडीशन करंट स्टेट का हिस्सा है, हैव मनी ये करंट स्टेट का हिस्सा है, तो ये दो ऑपरेटर जो है ये पहले एग्जीक्यूट होंगे, और फिर जो है ये सारे ऑपरेटर एग्जीक्यूट होंगे, और आखिर में जो सबसे पहले सिलेक्ट हुआ होगा ऑपरेटर वो आखिर में जाके एग्जीक्यूट होगा. तो इसको फर्दर डिस्कस करने के लिए हम जो है इसे नेक्स्ट उसमें जो है जरा ट्रेस करके देखते हैं. तो ये GPS जब हम कॉल करें तो अगर हमने वो ऑपरेटर्स इस GPS कॉल से पहले लिखे हुए हैं और GPS फाइल का कोड भी हमारे फाइल में मौजूद है, तो फिर जो है GPS प्रोग्राम हमारे हमें जो है इस तरह से मैसेजेस देगा कि दिस इज द गोल और अचीविंग दिस गोल, वी वांट टू अचीव दिस गोल. स्टैक पे ये जीरो लेवल या बेसिक लेवल पे हमारा ये वाला गोल जो है, और इस कॉल में सिर्फ एक ही गोल है. ब्लॉक मूविंग ब्लॉक एग्जांपल में हमारे पास 3-4 सिंबल्स थे गोल में, इसमें जो वो जस्ट एक ही गोल है, ये जीरो लेवल पे है, बेसिक लेवल पे है स्टैक में. जब ये गोल अचीव हो गया तो इट मीन्स द प्रॉब्लम इज सॉल्व. अच्छा, इन ऑर्डर टू अचीव दिस गोल द प्री कंडीशंस जो पिछली स्लाइड में हमने देखी थी कि सन एट होम तो है, लेकिन कार शुड बी इन वर्किंग कंडीशन, कार वर्क्स का सिंबल होना चाहिए. करंटली कार वर्क्स नहीं है, तो उसके लिए इन ऑर्डर टू ड्राइव सन द स्कूल, नाउ वी आर कंसीडरिंग दिस ऑपरेटर ड्राइव सन टू स्कूल, लेकिन कार वर्क्स जो है वो नहीं है, तो उसके लिए हम जो है सन एट होम ऑलरेडी अचीव्ड, ठीक है, लेकिन कार वर्क्स जो है ये हमारे पास ऑलरेडी अचीव नहीं है, तो शॉप इंस्टॉल्स द बैटरी. अब शॉप इंस्टॉल्स द बैटरी जो है ये वाला ऑपरेटर जो है वो सिलेक्ट हो गया, तो उसके लिए कार नीड्स बैटरी, ये तो ऑलरेडी अचीव्ड है, बट वी शुड टेल प्रॉब्लम टू द शॉप, शॉप नोज द प्रॉब्लम. तो अब ये वाला गोल जो है ये हमारा जीरो लेवल पे, ये सन एट होम है अचीविंग, कार वर्क्स दूसरा गोल जो है वो भी स्टैक पे आ गया, फिर नेक्स्ट गोल जो है अचीविंग में शॉप नोज द प्रॉब्लम ये भी अब स्टैक पे आ गया है. तो अगर जीरो से हम शुरू करें तो ये बेसिकली थर्ड हमारा सब गोल बन रहा है जो कि हमारे पास स्टैक पे है और इसे हमने सॉल्व करना है. और इन ऑर्डर टू शॉप नोज द प्रॉब्लम हमें जो है टेलीफोन कॉल कंसीडर टेल शॉप प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन, वी शुड बी इन कम्युनिकेशन विद द शॉप. और इसको अचीव करने के लिए मेक कॉल टू द शॉप टेलीफोन शॉप. ओके, इन ऑर्डर टू मेक कॉल टू द वर्कशॉप वी शुड नो द फोन नंबर. इसको अचीव करने के लिए फोन नंबर देखना, लुकअप फोन नंबर देखने के लिए हमारे पास वी शुड हैव द फोन बुक है, वी शुड हैव द फोन बुक. तो फिफ्थ लेवल पे हमारे पास ये, तो बेसिकली हमारे पास सिक्स लेवल पे जाके ये ऑपरेटर बन रहा है, वी शुड हैव द फोन बुक. अब ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो अब ये वाला ऑपरेटर हमारे पास जो है ये अचीव हो गया. देन नाउ वी कैन लुक अप द नंबर. तो अब हमारे पास ये लुक अप नंबर हो गया, एंड नाउ वी नो द फोन नंबर. नाउ वी कैन, अब फोर्थ लेवल पे वापस आएगा, वी कैन कॉल द फोन,
वी कैन मेक टेलीफोन कॉल टू द वर्कशॉप. ये फोर्थ लेवल पे जो है, अब ये थर्ड लेवल वाला, ये वाला गोल भी हमारे पास ये अचीव हो गया. एंड वी आर इन कम्युनिकेशन विद द शॉप. ओके, देन द टेल शॉप प्रॉब्लम, यहाँ पे ये वाला गोल भी अचीव हो गया. गिव शॉप मनी, शॉप हैज मनी. देन ये वाला गोल जो है, ये वाला यहीं पे अचीव हो गया. वी ऑलरेडी हैव द मनी, सो ये वाला गोल जो है यहाँ पे अचीव्ड हो गया. शॉप हैज मनी. अब जो है शॉप इंस्टॉल द बैटरी. जब ये शॉप इंस्टॉल बैटरी होगा तो ये जो लेवल वन पे ये गोल था, ये वाला शॉप इंस्टॉल बैटरी, ये वाला गोल जो है ये एक्शन परफॉर्म हो. और ये कार वर्क्स वाला गोल जो है ये अचीव हो गया. कार वर्क्स वाला गोल जो है ये अचीव हो गया और ये एक्शन परफॉर्म हो गया. ये एक्शन कंसीडर कर रहे थे. जब ये एक्शन परफॉर्म हो गया तो अब जो है जीरो लेवल का, बेसिक लेवल का जो हमारा गोल था, जो फाइनल गोल था कि ड्राइव सन टू स्कूल, ये एक्शन परफॉर्म होगा और सन एट स्कूल जो है ये गोल जो है ये अचीव हो जाएगा. ये हमारा करंट स्टेट का जो है वो हिस्सा बन जाएगा. तो ये जो साथ में नंबरिंग आ रही है, ये स्टैक की नंबरिंग है कि कितने गोल जो है वो स्टैक पे मौजूद होते हैं. जीरो जो है वो वन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक गोल हमारा जो है वो स्टैक में मौजूद. जब अचीव्ड हो जाता है, जो भी गोल अचीव्ड हो जाता है तो वो स्टैक से जो है वो डिलीट हो जाता है. और ये जो सीरियल नंबर लगाया हुआ है, ये जस्ट यहाँ पे स्लाइड में इसके फ्लो को शो करने के लिए हमने सीरियल नंबर लगाया हुआ है. तो इस एग्जाम्पल को भी आप एग्जीक्यूट करके देखें. ये भी हमारे पास जो है लेक्चर नोट्स में एग्जीक्यूटेबल, एग्जैक्टली एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में हमारे पास मौजूद है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि एज असाइनमेंट जीपीएस का कौन सा प्रॉब्लम जो है वो जो है आपको सॉल्व करना है या अटेम्प्ट करना है. अच्छा सॉरी, ये लास्ट में पॉइंट ये है कि जब ये हमारे पास सारे एक्शंस परफॉर्म होंगे, फाइनल हमारे पास जो एग्जीक्यूटिंग के साथ मैसेजेस आएंगे, वो एक्शन मैसेजेस जो परफॉर्म करने हैं, ये एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस है. गोल या रीजनिंग का सीक्वेंस रिवर्स में था, एक्शन परफॉर्मिंग का सीक्वेंस जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आया. लुक अप द फोन नंबर, टेलीफोन द शॉप, टेल शॉप प्रॉब्लम, गिव शॉप मनी, शॉप इंस्टॉल बैटरी, ड्राइव सन टू स्कूल. ये जो एक्शन है ये उस सूरत में, उस सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में आपने परफॉर्म करना है. जबकि लॉजिक जो रीजनिंग की है वो बैकवर्ड रीजनिंग की है जीपीएस के कोड में, और रिकर्सिव रीजनिंग की है. ये तो अभी सिक्स लेवल पे ऑपरेटर्स गए हैं, जितने मर्जी लेवल्स हो जाए जीपीएस में, रिकर्सिव प्रोग्राम है, सारे लेवल्स को जो है ये सॉल्व करेगा. अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट पे. जो प्रॉब्लम आपने जो है वो सॉल्व करना है, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है. अभी इनिशियल स्टेट लेफ्ट साइड पे है हमारे पास, ये इनिशियल स्टेट लिखा हुआ है. टेबल के ऊपर हमारे पास एक पोल के ऊपर जो है डिफरेंट डेस्क लगी हुई हैं, और दूसरा कोई पोल नहीं है. टेबल पे हमारे पास बहुत सारी जगह है, यहाँ पे हम इन डेस्क को उठा के यहाँ पे टेबल के ऊपर रख सकते हैं. तो ग्रीन डेस्क को हम टेबल पे रखेंगे. ऑब्वियसली पोल में से, दरमियान में से निकाल सकते, ऊपर से निकाल सकते हैं हम जो है एक डेस्क को. ब्लू डेस्क पे निकालेंगे, फिर रेड डेस्क निकालेंगे, ग्रीन डेस्क वापस डालेंगे, फिर ब्लू डेस्क डालेंगे, फिर रेड डेस्क डालेंगे, तो ये हमारे पास फाइनल स्टेट आ जाएगी. अच्छा, अब इसमें एक तो हमें ये सिनेरियो दिया गया है कि हम जो है एक टॉप, एक वक्त में एक डेस्क को मूव कर सकते हैं, और ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है. तो एक रियल वर्ल्ड का हमारे पास सिनेरियो दिया गया है, प्रॉब्लम दिया गया है. अब जीपीएस के सिंटैक्स में हमें ये कॉल भी नीचे दी गई है. अगर ये कॉल ना दी गई हो प्रॉब्लम के साथ, तो फिर आप अपनी मर्जी से जो है वो सिम्बल्स लिख सकते हैं. लेकिन अगर कॉल दी गई हो तो फिर हमने इन्हीं सिंबल्स को यूज करना है. अब इसमें देखें, रेड डेस्क ऑन पोल, यस रेड डेस्क इज ऑन पोल. ब्लू डेस्क ऑन पोल, यस ब्लू डेस्क इज ऑन पोल. ग्रीन डेस्क ऑन पोल, ग्रीन डेस्क ऑन पोल. एंड ग्रीन डेस्क ऑन टॉप, तो ग्रीन डेस्क इज ऑन टॉप इन द इनिशियल स्टेट. इन द फाइनल स्टेट ऑल द थ्री डेस्क आर ऑन द पोल, ठीक है, बट रेड डेस्क इज ऑन टॉप. यहाँ पे रेड डेस्क जो है ये टॉप पे. तो अब इसमें थोड़ा सा आपने ये करना है, ये थोड़ा सूटेबल सिंबल्स अगरचे नहीं है, मजीद भी लैबोरेटिव हो सकते थे कि रेड डेस्क पोल पे तो है, लेकिन यहाँ पे ये इन सिंबल्स में नजर नहीं आ, डायग्राम में नजर आ रहा है कि रेड डेस्क इज ऑन द टेबल और रेड डेस्क इज अंडर द ब्लू डेस्क. यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन नजर नहीं आ रही. लेकिन जो भी सिंबल्स हमें गिवन है, हम जो है लॉजिकली नॉलेज में ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. ये रेड डेस्क को मूव करने के लिए रेड डेस्क शुड बी ऑन टॉप, उसके ऊपर कोई और डेस्क मौजूद ना हो, या ब्लू डेस्क मूव करनी है तो ये ग्रीन डेस्क पहले से मूव होनी चाहिए. थोड़ा सा ब्लॉक वाले एग्जांपल से मिलता जुलता प्रोग्राम है, सिर्फ आपने इसे अटेम्प्ट करना है. ब्लॉक वाली जो पहली वाली एग्जाम्पल थी उससे मिलता जुलता प्रोग्राम है,
और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की वीडियोस में इसका सलूशन भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह, सी यू इन नेक्स्ट वीक वीडियोस। सलाम अलैकुम।